महाराष्ट्र में कोरोना महामारी का संक्रमण कहर मचाने लगा है। राज्य में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 6741 नए मामले आए सामने। कोविड 19 के पॉजिटिव रोगियों के इलाज के लिए हर जिले में कोविड हॉस्पिटल तैयार किए जाए, वहां आवश्यक सेवाएं, दवा व मशीनरी की व्यवस्था की जाए। बावजूद इसके पड़ोसी राज्यों व जिले के बाहर के पॉजिटिव मरीजों को नागपुर के मेयो मेडिकल में भर्ती कराया जा रहा है। पिछले 3 महीनों में 70 से अधिक रोगी जिले से बाहर से आए हैं। मृत महिला के फर्जी हस्ताक्षर पर मकान पर कब्जा करने वाले साई सैयद साथी नीलिमा जायसवाल तिवारी तथा गिरीश गिरधर के खिलाफ पांचपौले थाने में मामला दर्ज किया गया है। सोमवार को अदालत द्वारा साहिल को जमानत दिए जाने से इनकार करने के बाद यह मामला दर्ज हुआ। सेंट्रल जेल में बंद शहर के 2 चर्चित गैंगस्टर भी कोरोना का शिकार होने की जानकारी मिली है। बाकी कैदी प्रभावित ना हो इसलिए इन दोनों को जेल की विशेष सेल में रखा गया है। इन दोनों अपराधियों में बीते वर्ष पुलिस की गिरफ्त में आया संतोष अम्बेकर और पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाला राजा गौस का समावेश है। बीते सप्ताह जेल का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने जेल कर्मियों के साथ कैदियों की भी जाँच करवाने का निर्णय लिया है। मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत लॉकडाउन में छूट दिए जाने के बाद शहर की जनता द्वारा राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। फलस्वरूप शहर में गत कुछ दिनों से कोरोना के मरीजों की संख्या गति से बढ़ने लगी है। लोगों द्वारा नियमों का पालन नहीं किए जाने से अब पुनः लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाजारों में कोरोना के संदर्भ में अनियमितता को देखते हुए कोरोना के दुष्प्रभाव को रोकने की दिशा में महापौर संदीप जोशी की ओर से अब विभिन्न हिस्सों के बाजारों में जनजागृति दौरा शुरू किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं को हनी ट्रैप में फंसाने और आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे मनपा हेल्थ ऑफिसर को फिक्सिंग से जमानत दिलाने के मामले में वायरल राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता साहिल सैयद के ऑडियो क्लिप की उच्च स्तरीय जांच करने के आदेश गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिए हैं। देशमुख ने पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस की मांग पर यह आदेश दिए हैं। भाजपा नेता दयाशंकर तिवारी ने मंगलवार को साहिल सैयद मनपा के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर प्रवीण गंटावार और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तहसील पुलिस से शिकायत की। तिवारी चौथी बार पार्षद बने हैं और मनपा में स्थायी समिति अध्यक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि 12 जुलाई की शाम कुछ परिचित लोगों ने फोन पर जानकारी दी कि एक न्यूज चैनल पर उनके बारे में हनी ट्रैप की न्यूज चल रही है। गिट्टी खदान क्षेत्र के IBM रोड पर मंगलवार को बड़ा हादसा टल गया है। घनी आबादी वाली IBM रोड पर टीवी टावर की ओर से आ रहे डामर भरे टिप्पर का ब्रेक फेल हो गया। अनियंत्रित होकर 2 घरों की सुरक्षा दीवार तोड़ते हुए टिप्पर पलट गया। उसमें दबकर चालक ने वही दम तोड़ दिया है। इस हादसे में 5 दोपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा और एक पान टपरी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। घटना के समय बारिश हो रही थी इसलिए सड़क पर भी भीड़ नहीं थी, वरना दर्जनों लोग इस हादसे का शिकार हो सकते थे। टीवी टावर की ओर से आते समय तेज ढलान है, इस ढलान पर वाहन को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। नागपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार दोपहर 2 कोरोना संदिग्ध युवकों को उतारा गया। दोनों संदिग्ध बेंगलुरु नई दिल्ली विशेष ट्रेन से नागपुर पहुंचे। जानकारी मिलने के बाद दोनों को मेयो अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी के अनुसार 22 और 29 वर्षीय युवक 02691 बेंगलुरु नई दिल्ली COVID-19 AC विशेष ट्रेन के बीच B10 कोच की बर्थ 60 और 64 पर बेंगलुरु से नागपुर तक की यात्रा कर रहे थे। इसकी जानकारी GRP को सूत्रों से मिली। GRP ने RPF को यात्रियों की जानकारी सहित संदिग्ध होने की जानकारी दी।